दोस्तों भारतीय टीम मैच को पूरी तरह से हार चुकी थी, लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर मैच का रुख ही बदल दिया। दोस्तों आप भी देखना चाहते हैं हार्दिक पांड्या ने कैसे इस मैच को जिताया, इससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों एशिया कप का दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया और इस मुकाबले में पहले पाकिस्तान की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 147 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए और दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा गई। दोस्तों भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर में केएल राहुल आउट हो गए और दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद टीम को बहुत बड़ा झटका लगा पहले ही ओवर में और दोस्तों उसके बाद रोहित शर्मा भी 12 रन पर आउट हो गए। फिर दोस्तों विराट कोहली ने 35 रन बनाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को आखिरी दो ओवर में चाहिए थे 20 रन, फिर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से चौके लगाए और उसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में चाहिए थे 8 रन, फिर हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर मैच को टीम इंडिया के पक्ष में कर दिया और मैच को जिताकर वापस आए। दोस्तों हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।